हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 26 सितंबर थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके, साइंस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग के, तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक शिफ्ट का एनालिसिस मिलता रहे और जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करता हूं वो भी आप तक पहुंचती रहे, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। यार देखिए, आप लाइक बहुत कम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? ये आपका चेनाब नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2017 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला? ये आपका विनोद खन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की कैपिटल पूछी गई थी, पेरिस, सभी को पता है इसका राइट आंसर, तो पेरिस हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 2017 में गुजरात के सीएम कौन थे? ये आपका विजय रूपाणी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक था आपका, कौन सा मुख्यमंत्री पहले मंदिर में पुजारी था? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और देखिए, ये जो योगी आदित्यनाथ जी है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो अगर आपको पता है तो राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आपका, शेर शाह सूरी के दूसरे नाम यहाँ पे पूछा गया था, यानी कि दूसरा नाम पूछा गया होगा, ऑप्शन में दे रखा होगा, तो इनका एक बचपन का नाम तो है फरीद खान, और एक नाम था इनका, इन मतलब दूसरे नाम से भी जाना जाता था, शेर खान के नाम से, ठीक है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में था आप उसको लगा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, निक्की एशिया प्राइज 2018 किसको मिला? ये आपका डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, ई सिगरेट को किन राज्यों ने बंद किया है? ये आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरला, और भी कई राज्य है, वो ऑप्शन को देखकर ही पता, यहाँ पे राइट आंसर बताया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, आईफा अवार्ड 2017 का जो बेस्ट एक्टर का मिला है शाहिद कपूर को, और बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का आपको मिला है आलिया भट्ट को, तो आपके दोनों ही क्वेश्चन आज ये पूछे गए थे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका, अमृत सेन किस से संबंधित है? तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, यानी कि अर्थशास्त्र है ये, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन था, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को, ये आपका पूछा गया था, ठीक है। और देखिए, एक दोस्त ने बताया कि 2016 का भी पूछा गया था, 2016 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? तो मनोज कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानव के पास मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र यानी कि 46 होते हैं, सभी को पता है, ठीक है, और 23 पेयर होते हैं। नेक्स्ट आपका है, सबसे हल्की धातु सिलिकॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, लुमिनस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपका सचिन तेंदुलकर राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा गया था, तो कई बार मैं आपको पहले बता चुका हूँ, CaSO4 2H2O राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सेल दीवार किसकी बनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा सेलुलोज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलिया में भारत की किस अभिनेत्री को कोई अवार्ड दिया गया है? तो इसका अगर आपको राइट आंसर पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि सुंदरबन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बंगाली टाइगर के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2017 में पद्म भूषण किसे मिला? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के देख करके यहाँ पे राइट आंसर लगाया जा सकता था। धरती कितने अंश पर झुकी हुई है? आपका 23 सही 1/2, यानी कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, एक ओटावा मस्जिद कहाँ है? आपका कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया वुमेन क्रिकेट खिलाड़ी जिसने 200 विकेट लिए हैं, तो जुल्लन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, FICCI की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई थी, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका, तो देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन था तो आप पढ़ के जाइएगा। श्रीदेवी को कौन सी फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया था? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मैथ पे। मैथ का मैं एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि पूरा पेपर मेरे पास, मतलब पूरा तो नहीं बोल सकता, बट एक बच्चे ने पूरा बताया था, नाम यार मैं भूल गया, उसने नाम बताया भी था अपना, सॉरी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपका फिर कभी नाम बोल दूंगा, बहुत जल्दी में वीडियो बनाई है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैथ का देखिए, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था बिल्कुल फिक्स, पाइप एंड सिस्टम से भी एक क्वेश्चन था, परसेंटेज से चार, प्रॉफिट एंड लॉस से तीन क्वेश्चन थे, ठीक है, बोर्ड मास के तीन क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से सॉरी एक से दो क्वेश्चन थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक से दो क्वेश्चन, और देखिए यहाँ पे मेन जो खास बात रही इसकी, आपका एचसीएफ एलसीएम से एक भी क्वेश्चन नहीं था थर्ड शिफ्ट में, एज से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, स्क्वायर रूट से एक क्वेश्चन था, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस से आपके चार क्वेश्चन थे, ठीक है, पाई चार्ट से आपके दो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं वैसे आपको क्या बताऊं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बहुत मतलब एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए मैं आपके पास जो क्वेश्चंस प्रेजेंट करता हूँ सिर्फ वही प्रेजेंट करता हूँ जो मुझे एग्जैक्ट फॉर्म में मिल पाते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता सकता हूँ, बट उनकी एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होगी, बस आपको आइडिया दे सकता हूँ जैसे मुझे मिलेंगे, ठीक है। कई क्वेश्चन होते हैं बस ये बता दिया जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन था, ना तो उसकी डिजिट पता चलती है, बट आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन था, तो आप खुद अपनी बुक से पढ़ाई कर सकते हैं उससे देख के। बट ऐसा मैं करूँगा तो एक दो वीडियो में मैंने किया तो बहुत बच्चे गालियां देने स्टार्ट कर देते हैं, तेरे से कुछ खुद नहीं आता है, तो खुद ये वीडियो बनाने लगता है। दोस्त अगर आप एक दिन की एनालिसिस की वीडियो बना दे तो मैं आपको मान जाऊंगा, एक दिन ट्राई करके देखिए खुद घर पे बैठ के कि एक दिन का पेपर आपको किसी ने नहीं बताना, किसी से पूछ के, और तब वीडियो बनाना, तब मुझे बताना कि हाँ कितना ईजी और कितना हार्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि ए किसी वस्तु को 30% डिस्काउंट पर खरीदता है, ठीक है, खरीदता कितने में, 1300 रुपये में, 30% डिस्काउंट पर 1300 रुपये में खरीदता है, और उसे 30% प्रॉफिट पर बेच देता है, तो उसे कुल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज निकाल लीजिए, फिर कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए वो 30% डिस्काउंट पे खरीद रहा है, और कितने में खरीद रहा है, 1300 में, इसका मतलब वो 70% में चीज को खरीद रहा है भाई। अगर उस उसकी वैल्यू जो थी कि जो जिस चीज़ को उसने खरीदा 100% की होगी, अब उसे 30% के डिस्काउंट पे खरीद रहा है, इसका मतलब उसे कितने में मिली, वो 70% में तो मिली होगी, तो आपको मिल गई कि 70% की वैल्यू 1300 रुपये है, ठीक है। अब आपको इसको बेचना कितने में, 130% पे, क्योंकि 30% का प्रॉफिट आपको कमाना है, तो क्या करेंगे, 1300 को 70 से भाग कर देंगे और 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 16900 को 7 से भाग कर देंगे तो 2414 अप्रोक्स आपका आ जाएगा। डिजिट थोड़ा इधर उधर हो सकती है, ठीक है, क्या पता एग्जैक्ट फॉर्म ना मिली हो, कुछ और हो, यहाँ पे 30 की जगह 20 हो, तो ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो आएगा उसका, इसमें से माइनस कर देंगे 2414 में से 1300 को, तो कितना आएगा, 1114। अगर आपको इसका निकालना है परसेंटेज, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये आपको किस पे निकालेंगे, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे, इतने में आपने खरीदा ना, तो आप लिखेंगे 1114 और डिवाइड करेंगे 1300 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपकी परसेंटेज आ जाएगी, तो करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था आपका एवरेज स्पीड से, देखिए एवरेज स्पीड का अभी तक तो कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, फर्स्ट टाइम देखने को मिला है, तो देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे बोला गया था कि एक आदमी या फिर एक कार, कुछ भी मान लीजिए, उसने 25 मीटर की दूरी तो 6 सेकंड में कवर की है और 24 मीटर की दूरी 5 सेकंड में कवर की है, तो उसकी औसत इस चाल क्या होगी, उसकी औसत स्पीड क्या होगी, तो औसत स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि जितनी भी उसने डिस्टेंस कवर की होगी उसे डिवाइड करना है टोटल टाइम से, तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी रही होगी भाई, 24 + 25, दोनों को प्लस कर लेंगे, ये तो उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल टाइम कितना है, 6 सेकंड और 5 सेकंड, ये 11 से, ठीक है, तो 49 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.45 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन था आपका, दोनों ने काम शुरू किया था, ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था आपका, और हाँ पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चंस नहीं बताए गए, यानी कि शायद एक क्वेश्चन किसी ने बताया और किसी ने कहा कि कोई मेरी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, तो टाइम एंड वर्क से भी कोई ज्यादा खास क्वेश्चन आज नहीं पूछने को मिले, सॉरी पाइप एंड सिस्टम से, टाइम एंड वर्क से तीन क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका 9 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेता है और बी यहाँ पे 12 डेज में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दोनों ने काम शुरू किया पर यहाँ काम पर होने से, काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा एलसीएम लेना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 36 आ जाएगा, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो बी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर लेंगे, 7 यूनिट वर्क ये कर लेंगे एक दिन में दोनों मिलकर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ए है वो
चार दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि जब काम कंप्लीट होने वाला होता है उससे चार दिन पहले ये काम को छोड़ देता है। इसका मतलब उन चार दिनों में, वो लास्ट के चार दिन कौन करेगा, जब ए छोड़ के चले जाएगा तो अकेला बी करेगा, तो उन लास्ट के चार दिनों में बी कितना वर्क कर लेगा, एक दिन में तीन करता है तो चार दिन में कितना कर लेगा, 12 यूनिट, तो 36 में से 12 माइनस कर दीजिए कितना आ गया, 24 यूनिट, यानी कि जो बी है उसने 12 यूनिट वर्क कर लिया तो बचा कितना, 24 यूनिट। अब ये 12 यूनिट तो किया अकेले बी ने, अब दोनों जो ये 24 बचा इसको तो दोनों करेंगे ना, क्योंकि जब इससे पहले चार दिन से पहले तो ए भी लगा हुआ था काम करने में, तो 24 को दोनों करेंगे, 7 से डिवाइड कर दिया, 3 कंप्लीट 3/7 आ जाएगा। टोटल टाइम कितना लगा ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 3 तो आपका ये हो गया, और 4 आपका यहाँ पे, यानी कि चार दिन इसने बिना के लेकर कि, तो कितना हो जाएगा आपका 7 कंप्लीट 3/7 डेज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इतने दिन पहले काम छोड़ दिया, काम कंप्लीट होने से चार दिन पहले काम छोड़ दिया, तो उन चार दिनों में बस किसने काम किया ये देखना है आपको, बी ने किया है तो बी कितना कर लेगा, 12 को माइनस करिए, बचा हुआ कार्य तो दोनों ने किया होगा ना, तो दोनों का डिवाइड कर दीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, रीना और मीना की आयु का योग यहाँ पे 27 था, ठीक है। यदि रीना मीना से 3 साल बड़ी है तो मीना की आयु क्या होगी। देखिए बहुत ही अच्छा और एक छोटा सा लॉजिक है इसमें, अगर आप समझ गए तो विद इन सेकेंड इसका आंसर निकाल लेंगे। रीना और मीना की आयु का योग कितना है, 27 है, दोनों की एज का जो समय वो 27 है, और यहाँ पे बोला गया है रीना मीना से 3 साल बड़ी है, रीना जो है वो मीना से 3 साल बड़ी है। अगर मैं ये 3 साल इसमें से माइनस कर दूं तो यहाँ पे कोई किसी से बड़ा रहेगा नहीं रहेगा ना भाई, रीना और मीना दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर यहाँ से मैं रीना की एज जो 3 साल बड़ी है ये माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो दोनों का इक्वल एज बचेगी, समझ रहे हैं ना आप इस बात को। तो 27 में से मैंने 3 माइनस कर दिया, बचा कितना 24। अब ये 24 मुझे किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी दोनों में, यानी कि रीना और मीना में, सॉरी ठीक है, रीना और मीना में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इक्वल होगा क्योंकि एक्स्ट्रा जो एज थी वो मैंने माइनस कर दी, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इन दोनों की एज कितनी है, 12 है, ठीक है, रीना की भी 12 लिख लीजिए और मीना की भी। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोल रखा था कि रीना मीना से 3 साल बड़ी है, तो 3+ कर दीजिए, तो रीना की एज भी आ गई और मीना की भी एज आ गई, जिसकी भी पूछी जाए आप उसकी बता सकते हैं। तो रीना की एज तो 15 हो गई और मीना की एज कितनी हो जाएगी, 12, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और जल्दी से बता देता हूँ भाई, रीना मीना की एज का सम 27 है, और यहाँ पे एक चीज जो बोली गई है इस पे ध्यान दीजिएगा, यदि रीना मीना से 3 साल बड़ी है, अगर मैं ये 3 साल माइनस कर दूं तो जो बचेगा 24, ये तो इक्वल बचेगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा जो एज थी वो मैंने माइनस कर दी, रीना जो मीना से बड़ी थी वो मैंने हटा दिया कि बड़ी है ही नहीं, वो इन्हें इक्वल करना है, तो इक्वल कितना होगा, 24 को 2 से भाग कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब रीना भी 12 साल की है और मीना भी 12 साल की है, बट क्वेश्चन में बताया गया कि रीना 3 साल बड़ी है, तो 3+ कर दीजिए ना, तो 15 और 12 आ गई, पूछा है मीना की एज तो मीना की 12 हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके का था, शायद एग्जैक्ट फॉर्म ना हो क्वेश्चन की, बट इस तरीके का था कि ए और बी के टाइम का रेशियो यहाँ पे दे रखा था, यानी कि ए और बी जो वर्क करते हैं वो किस रेशियो में करते हैं, टाइम का रेशियो, यानी कि इतने टाइम में वर्क कर लेते हैं, ए करता है 4 टाइम में और बी करता है 5 टाइम में, यानी कि रेशियो इनका है ये। पूछा था काम का रेशियो क्या होगा, तो काम का रेशियो अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है भाई, जो जितना टाइम लेगा वो उतना ही कम, यानी कि ये कम टाइम ले रहा है तो इसका मतलब ये ज़्यादा आपका वर्क करेगा, तो ये 5 हो जाएगा, और ये आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है तो ये कम वर्क करेगा, यानी कि 5:4 का राइट आंसर हो जाएगा। तो काम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4, ये आपका सीधा सीधा लिखना था। एक क्वेश्चन आपका था स्क्वायर रूट का, यहाँ पे इस तरीके से 6, 7, 2, 4 का स्क्वायर रूट आपको निकालना था, तो मैंने बताया 2 का पेयर बनाइए, लास्ट में जो बचे उनका एक अलग पेयर बनाइए, इसमें से 2 हटाइए, 4 देखिए किसके स्क्वायर में आता है, 2 के और 6 के स्क्वायर में 4 आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, 4 2 के और 6 के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे आधा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अभी यहाँ पे देखना है आपको 67 से छोटा स्क्वायर रूट किसका है, 8 का, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 64, फिर एक इससे नेक्स्ट करेंगे 9 का स्क्वायर, 81। आपका ये आंसर तो आ चुका है कि शुरू में तो हम लिखेंगे इससे छोटे वाला स्क्वायर जिसका भी होगा, 8 ही लिखना है, हमेशा होता है कि जो भी छोटा स्क्वायर होगा, यानी कि इससे छोटा स्क्वायर जो होगा उस जिसका भी वो स्क्वायर होगा वो तो यहाँ पे लिख देना है, पहला आंसर तो आपका आ चुका है। लास्ट में 2 लिखे या 6 लिखे ये आपको चेक करना है। यहाँ पे अगर ये 64 के पास है, यानी कि छोटे स्क्वायर वाले के पास में है, तो आपका छोटे वाली संख्या, अगर ये बड़े संख्या यानी कि 9 के स्क्वायर के पास में है, तो आपके यहाँ पे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे किसके पास में है, छोटे स्क्वायर के, यानी कि 64 के पास में है भाई, 67 64 के पास में है ना, तो छोटे वाली संख्या आप लिख दीजिए, तो 82 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आज एग्जाम में नहीं आया था क्योंकि आज आपका औसत स्पीड का पूछा गया है और जो वो क्वेश्चन था ऊपर मैं अभी बता के आया हूँ आपको, उसी टाइप का कल पूछा जाए या ना जाए बट इस टाइप का पूछा जा सकता है क्योंकि एक वो हो चुका है मेथड, दूसरा एवरेज स्पीड का एक ये होता है, ये ट्रिक होती है छोटी सी, इसको जान लीजिए। वैसे मैंने बहुत प्रैक्टिस करा रखी है इसकी, पहले कई क्वेश्चन करा रखे हैं बट यहाँ भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को आधा भाग, किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर करता है और उसका आधा बचा हुआ भाग जो शेष भाग है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसी उसकी औसत चाल कितनी होगी, उसकी औसत स्पीड आपको निकालनी है। भाई एक ये डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस है बट ये एक डिस्टेंस है, इसका आधा, इसको हमने दो भाग में डिवाइड कर लिया, आधा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर करता है और आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर करता है, ठीक है कोई डाउट नहीं आ तक, ठीक है। अब पूछा इसकी औसत चाल क्या रहेगी, पूरी की पूरी इसमें पूरी की पूरी डिस्टेंस में औसत चाल क्या रहेगी, तो यहाँ पे जब भी कोई सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से कवर करता है, भाई ये सेम ही तो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस है ना, क्योंकि ये मान लीजिए 10 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, इसने 5 किलोमीटर को तो कवर किया 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 5 किलोमीटर को कवर किया 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो सेम डिस्टेंस को अलग अलग चाल से कवर किया जाता है। एक बार और बोल देता हूँ क्योंकि यही पॉइंट है इसमें पकड़ने वाला कि सेम डिस्टेंस को अलग अलग चाल से कवर किया जाता है, तो क्या ट्रिक यूज कर रही है, 2 × x × y / x y, ये आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 × 6 किलोमीटर यानी कि पहले वाली चाल आपकी 6 और दूसरे वाली चाल आपकी 3 और अपॉन में 6 + 3 दोनों को प्लस कर देना है, डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे कितना होगा 6 × 12 और 12 × 36, 36 को डिवाइड करेंगे 9 से तो आपका कितना जाएगा 4 किलोमीटर/hr, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है कोई डाउट नहीं है। चलिए रीजनिंग पे चलते हैं, रीजनिंग का अगर बात की जाए तो रीजनिंग में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आज कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन तो लगातार आपका पूछे जा रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस देखने को मिला है बट ये नहीं पता कितने थे, क्लॉक से एक था, कैलेंडर से भी एक था, वेन डायग्राम से भी एक था, सीरीज से भी नहीं पता कितने क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, काउंटिंग फिगर से एक था। यहाँ पे जो मेन चीज देखने की वाली है कि स्लोगन से एक भी क्वेश्चन नहीं था और ये नहीं सेकंड शिफ्ट में था नहीं थर्ड शिफ्ट में था आज, ठीक है सुबह वाली शिफ्ट में तो शायद था बट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है, तो ये चीज आपको देख लीजिएगा आज नहीं देखने को मिला, तो पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता जा रहा है। मिरर और वोटर इमेज से क्वेश्चन था, ओड वन आउट से भी क्वेश्चन था, तो मिरर का तो मुझे पता चल गया ये वाला था, यहाँ पे आपको बतानी थी PPUGP की क्या मिरर इमेज, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें मैं हर बार एक ही चीज बताता हूँ, मिरर आपको अगर यहाँ पे रखा है तो जो मिरर के पास में वो वहीं पे रखना है, जिस डायरेक्शन में मिरर के पास में है उसी डायरेक्शन में रखना है। तो अगर मिरर ऐसे रखा है और पी का ये वाला भाग मिरर के पास में है तो इधर भी तो यही वाला भाग मिरर के पास में आना चाहिए, तो इसी तरीके से मैंने लिख दिया। अब अगर यहाँ पे देखिए ये है रखा है और जी का ये वाला भाग यहाँ पे रखा है तो आपका यही वाला जी का भाग इधर आना चाहिए, तो इस तरीके से अगर आप सोचते हुए करेंगे तो मिरर इमेज का तो आई थिंक कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा मिरर इमेज, आप देख लीजिएगा। एक था आपका देखिए ओड वन आउट इस तरीके का क्वेश्चन कि यहाँ पे लिखा था ए अपॉन में ई 5, बी अपॉन में एम 13, सी अपॉन में एफ 7, सॉरी ये हाँ ये एफ 7 और डी अपॉन में एच 8। तो यहाँ पे अगर देखा जाए भाई ई 5 नंबर पे आता है तो ठीक है, ये ई 5 नंबर पे ही लिखा है, एम 13 पे आता है ये भी लिखा है, एफ आपका 6 नंबर पे आता है और यहाँ पे 7 पे लिखा है, तो इसका मतलब यही आपका अलग हो जाएगा क्योंकि एच आपका 8 पे आता है और ये भी 8 पे लिखा है, तो एफ 7 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिला है। एक थी आपकी सीरीज, देखिए सीरीज कुछ इस तरीके की थी, काफी अच्छी सीरीज है ये, यहाँ पे था कि 79 लिख दिया यानी कि नेक्स्ट 39 फिर 19, तो घटती हुई सीरीज आपको दिख रही है। घटती हुई सीरीज में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा डिवाइड चलेगा या माइनस चलेगा, अगर सीरीज बहुत जल्दी से घटी है तो इसका मतलब डिवाइड ही चलेगा और अगर सीरीज आपका बहुत धीरे धीरे से घट रही है तो माइनस हो सकता है, ठीक है। वैसे माइनस में भी जल्दी घट सकती है, अगर कोई बड़ी अमाउंट घटाई जा रही होगी तो वो वैसे आपको सीधी सीधी नजर आ जाएगी, अगर कोई भी बड़ी अमाउंट डिक्रीज की जाती है तो वो डायरेक्ट वे में समझ में आ जाती है। यहाँ पे क्या किया गया, 79 में से अगर 1 माइनस करूं तो कितना होगा 78 और 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 39, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे किया गया है, 39 में से माइनस करेंगे 1 तो डिवाइड करेंगे 2 से तो 19, 19 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका 4, 4 में से माइनस करेंगे 1 तो 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 1.5 होना था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
एक देखिए बहुत ही मतलब अच्छा सा क्वेश्चन जो मुझे लगा है, ओड वन आउट का। यहाँ पे दिया गया था इसमें से कौन सा भिन्न है, तो भिन्न आपको बताना था मीट गोभी। ये देखिए गोभी है यहाँ पे, ठीक है, गोभी और सलाद और अजवाइन। तो अब इसमें मुझे एक चीज़ देखने वाली ये लगी कि अगर सलाद को माना जाए तो सलाद, अब देखे तो सलाद की तो बहुत सारी वेराइटी होती है, तो यहाँ पे कन्फर्म नहीं है। मीट कन्फर्म है, ठीक है, और आपकी गोभी भी कंफर्म है, अजवाइन भी कंफर्म है, बट सलाद की कोई कैटेगरी कंफर्म नहीं की गई है कि सलाद का मतलब कौन सा पोर्शन यहाँ पे रखा है। भाई खीरे का भी सलाद होता है, ठीक है, प्याज हम कट करते हैं और उसमें मतलब आप देखें तो सलाद में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सलाद एक तो राइट आंसर हो सकता है, अगर वेज और नॉन वेज के हिसाब से देखें तो आपका मीट भी हो सकता है, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी यही होगी, 99% तो आपका सलाद ही राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन था आपका चावल पकौड़ा बिस्किट पकाना का वेन डायग्राम बनाना था। तो यहाँ पे देखिए चावल और पकोड़ा दोनों के दोनों पकाए जा सकते हैं, बट बिस्किट जो होते हैं रेडीमेड आते हैं पैकेट में पैक होके, उनको आप पका तो नहीं सकते, तो बिस्किट का तो एक अलग ही हो जाएगा, और चावल पकोड़ा को पका सकते हैं, तो इसका मतलब ये इस तरीके से वेन डायग्राम आपका बनना था। सारे के सारे क्वेश्चंस भेजे गए हैं, एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड नहीं किया गया है, तो आज भी अगर किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि ये क्वेश्चंस नहीं आए थे, एक दो क्वेश्चन मैं ऐड कर लेता था बट आज कुछ भी ऐड नहीं किया एक्स्ट्रा, ठीक है, बहुत मेहनत से क्वेश्चंस निकलते हैं और उसके बाद जब ये बोला जाता है ना कि आप अपनी तरफ से ऐड करके लेकर आए ये वो, तो यार कुछ अगर बताना भी चाहते हैं ना वो भी नहीं बताना चाहते, बहुत से बच्चे ऐसे हो रखे हैं। यहाँ पे कथन दे रखा था एक, सरकार ने कमजोर वर्ग के छात्रों को कोचिंग देने की एक योजना आरंभ की है ताकि वे अपना शैक्षिक स्तर सुधार सके। तो यहाँ पे कथन से आप क्या समझे भाई, सरकार ने कमजोर वर्ग के छात्रों को कोचिंग देने की यहाँ पे योजना बनाई है जिससे उनका एक शिक्षा का स्तर सुधर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा है। नेक्स्ट आपका लिखा है, समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक इस दृष्टि से अच्छा कर सकें, इस हेतु कोचिंग कक्षा में उन्हें सहायता करेगी। तो बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि इसी तरीके से योजना बनाई गई है कि कुछ उनकी हेल्प हो सके उसी दृष्टि से कि अच्छा जो वो कर सके, ठीक है, कोचिंग कक्षा उन्हें सहायता करेगी, ठीक है, यही यहाँ पे दिया गया है। एक था समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, क्योंकि इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे सरकार ने कमजोर वर्ग के छात्रों को कोचिंग देने की योजना आरंभ की है, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही राइट हो जाएंगे। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन देखें यहाँ पे कुछ इस तरीके से था कि 1.5, 2.5, 7, 2.4, ये सीरीज थी मतलब, और नेक्स्ट क्या आएगा। तो आपने देखा 2.5 से बहुत ही जल्दी आपका 100 पे पहुंच गई, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपका मल्टीप्लाई चल रहा है, प्लस में तो इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई भी क्या चल रहा है, देखिए मल्टीप्लाई प्लस वन, मल्टीप्लाई वन प्लस वन करेंगे तो 1.5 में मल्टीप्लाई वन की करेंगे तो 1.5 ही रहेगा, प्लस वन करेंगे तो 2.5 बन जाएगा, ठीक है। फिर करेंगे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई टू की, तो प्लस टू करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है, 5 और प्लस टू आपका हो जाएगा 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 हो करेंगे तो 24, और 24 में आपका 4 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 में 5 की करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, और प्लस 5 करेंगे तो आपका 505, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आशा करता हूँ कि आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो यार कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि आपके लिए लगातार वीडियोज बनाता रहूँ। और अगर यही आपका रवैया रहा थोड़े दिन तक भी लगातार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ, यार ऐसी गंदी बातें बोलते हैं कुछ बच्चे, कि मैं फिर वीडियोस बनाना शायद यहाँ पे कंटिन्यू ना कर पाऊँ, ठीक है। और एनालिसिस तो बिल्कुल भी मतलब सोच रहा हूँ कि 5-6 दिन में बाद बंद ही कर दूँ, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा रहा तो नहीं हो पाएगा यार, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनती है वीडियो, और ये एनालिसिस वाले तो स्पेशली, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल से तो क्वेश्चंस कलेक्ट किए जाते हैं, बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है, ऐसे नहीं बन जाती है कि डायरेक्ट की कहीं से क्वेश्चंस मिल गए और उसको लिखा और मैं आपके पास लेके आ गया। कई क्वेश्चंस उल्टे सीधे भेजे जाते हैं, उनको सीक्वेंस में लगाना पड़ता है, ठीक है, कई बार गलतियाँ हो जाती है बहुत सारी, उनको सही करना पड़ता है, तो यार सब कुछ देखते हुए वीडियोस बनाई जाती है, और उसके बाद भी क्या मिलता है, नीचे कमेंट ये आए नहीं थे तो अब मैं क्या बोलूँ, छोड़ो यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर, आशा करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो अप्रिशिएट भी करते हैं काम को, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ वैसे तो, और
आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है। सारी पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, टेलीग्राम का ऐप अगर आपके पास है तो टॉपिक स्टडी, या फिर नीचे लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।